तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है रैखिक प्रोग्रामन की प्रश्नावली 12 दशमलव में कर रहे थे उसका हमने बेसिक समझ के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये जेड दे रखा है, इसका न्यूनतमीकरण कीजिए। इसका न्यूनतमीकरण करना है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देख रखी है तो आप ये 6 से लेकर 10 क्वेश्चन अब हंसते हंसते कर देंगे। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, वो लिखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों प्लीज़। ठीक है, आपका एक एक लाइक हमें उत्साहित करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। क्या दे रखे हैं, जेड का न्यूनतमीकरण करना है। तो मैं लिख देता हूँ, जेड मिनिमम हमें निकालना है तो जेड मिनिमम लिखता हूँ और वो हमें दे रखा है एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, और जो अवरोध हमें दे रखे हैं, ठीक है, वो हमें क्या दे रखा है, 2x plus y। ठीक है, 2x plus y 3, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा हमें दे रखा है x plus 2y। ठीक है, ये चीज 6 है समीकरण नंबर 2। और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि x और y का मान ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा हल क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, पहले वीडियो में आपने समझा रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम करते हैं ये जो हमारी असमीका है इसको समीकरण बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो ये पहली असमीका है, ये हो जाएगी 3 और दूसरी हमारी क्या है x plus 2y और ये हो जाएगा 6। आपको ये रेखा के समीकरण है ना, x और y की डिग्री 1 है, घात 1 है, यानी कि रेखा के समीकरण है। और आपको पता है रेखा का समीकरण का रूप इस रूप में होता है x plus a y / b = 1। ये भी रेखा का समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है, रेखा का समीकरण, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। अगर रेखा का समीकरण ये है तो हमारे पास बिंदु क्या होते हैं, बिंदु होता है a, 0 और दूसरा होता है 0, b, है ना। इससे बिंदु फटाक से निकल जाते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ 3 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा इसके बट्टे में तीन। सो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये 2 गुणे मैंने इसके बट्टे में लिख दूँ। ठीक है, और ढंग से लिख दो इसको, भाग देंगे तो 1.5 है ना। समीकरण L1, ये L1 रेखा है, तो बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, पहले ये 1.5, 0 और दूसरी हो जाएगी 0, 3। ठीक, अब ये दूसरी रेखा है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे दोनों तरफ, x के बट्टे में 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 = 6 और यहाँ से 1, ये दूसरी रेखा है आपकी। तो यहाँ से आपको बिंदु क्या मिलेगा, 6, 0 और 0, 3 बिंदु मिल गए। ठीक है, जब बिंदु मिल जाते तो हमें क्या करना होता है, समीकरण इन समीकरणों को ग्राफ में दर्शाना है हमें, है ना। तो देखो बच्चा, कल मैं जब पढ़ा रहा था ग्राफ ख़त्म हो गया था, तो मैं आपको ग्राफ अब इस पेज में बना के दिखाऊंगा, वाइट पेज, ऐसे तो आपको आता ही होगा। ठीक है ना, देखो, और इसमें आपको साफ साफ भी दिखेगा पूरा। और ग्राफ जब भी बनाओगे पेंसिल का यूज़ करना, इधर एक्स अक्ष होगा, ये एक्स डैश, ये एक्स और वाई जहाँ मिलते हैं केंद्र बोलते हैं, ओरिजिन 0, 0 निर्देशांक होता है, ये वाई अक्ष। ठीक है, सो हमारे जो बिंदु हैं मैक्सिमम 6 तक गए हैं। ठीक है, यहाँ आप समान बिंदु करके लिखते हैं ना, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख के दिखाना होता है, समान दूरी पर रहते हैं। ये सब आपको ग्राफ में करना है। ठीक है, ये आपको कहाँ करना है, ग्राफ में,
तो पहला बिंदु मेरा क्या है, 1.5, 0, एक्स में 1.5 लेना है, वाई में 0, तो डेढ़ यहाँ आएगा, ये पहला बिंदु मिल गया मुझे पी। दूसरा बिंदु क्या है, एक्स पे 0, वाई पे 3, यहाँ कहीं 3 आ जाएगा, ये दूसरा बिंदु मेरा क्या है क्यू। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी रेखा, ठीक है, ये मेरी L1 रेखा है, पहली रेखा, इसका नाम भी लिख देना है, पहली वाली रेखा का नाम क्या था, 2x + y = 3, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले के लिए बिंदु क्या है, 6, 0, एक्स पे 6 जाना और वाई पे 0, ठीक है, ये पहला ये बिंदु आ गया R। फिर H बिंदु क्या है बच्चों हमारे पास, 0, 3, x पे 0 y पे 3, यही बिंदु आ जाएगा H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा, लाइन, ठीक है, ये मेरा L2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हल क्षेत्र देखना होता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या देखना है बच्चों, हल क्षेत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊँ, ग्राफ की स्टेप 2, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए हम किस सबसे बेस्ट वाला बिंदु क्या होता है, केंद्र लेते हैं, केंद्र को 0, O से दर्शाते हैं, 0.0 निर्देशांक होते हैं, यानी कि ये जो असमीका है यहाँ पे मैं रख के चेक करना है, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, अगर कोई बिंदु उसको संतुष्ट कर दिया तो हल क्षेत्र बिंदु की तरफ जाता है, अगर संतुष्ट नहीं करती है तो हल क्षेत्र बिंदु से बाहर की ओर जाता है, सिंपल। तो पहले ये लिख लेते हैं, 2x + y, हमें x की जगह और y की जगह पे क्या रखना है, 0.0 रखना है, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये 0 असत्य है, ये क्या है, असत्य है, 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है 0, ये आपका आ गया असत्य, अतः हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होगा, ये पहले वाला समीकरण था। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरा समीकरण क्या था आपके पास, x + 2y, ठीक है, ये भी वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ है, x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पर 0 रखोगे, है ना, तो ये 0, तो ये भी क्या जाएगा, असत्य, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो आपका ग्राफ आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 का है ग्राफ, दोनों ये केंद्र है ना, ये केंद्र है, इसका हल क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा दोनों का, ठीक है, मैं कलरफुल से दिखाता हूँ, ये बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर, पहला वाला ये पहली बारी लिखा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, दूसरा वाला क्या है, वो भी केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, दूसरा वाला देखा, ये है L2, केंद्र से बाहर जा रहा है, जहाँ पर दोनों आके मिलते हैं ना, जहाँ पर दो रेखा तो दोनों जहाँ पर आके मिल रहे हैं, उभयनिष्ठ पार्ट, वो हिस्सा ही आपका क्या होता है, उसका हल क्षेत्र होता है, वो हिस्सा ही आपका क्या होता है, उसका हल क्षेत्र होता है, ठीक है। अतः हल क्षेत्र क्या होगा, देखो यह जहाँ पर ग्रीन और ये येलो दोनों दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, क्योंकि हल क्षेत्र आपका प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, तो ये जो हल क्षेत्र है RQ, ठीक है, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, और इधर Y, ऐसे बोल सकते हो RQ, या फिर ऐसे बोल दो XRQY, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे, स्टेप 3 में ग्राफ में XRQY हल क्षेत्र है, ठीक है,
हल क्षेत्र है, ठीक है। और देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है। आपसे अगर इस क्वेश्चन में बोलता ना कि अधिकतम निकालो, तो अधिकतम कहाँ पे जाके मिल रहा है पता ही नहीं है, लेकिन इसके कॉर्नर पॉइंट हमें पता है दो, तो निम्न मान निकल सकता है, लेकिन अधिकतम का कोई सीमित नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो इसे अंग्रेजी में बोलते अनबाउंडेड, ठीक है। अधिकतम नहीं निकाल सकते क्योंकि अनबाउंडेड है, फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा ऊपर इस तरफ, है ना। तो हल चित्र अब स्टेप फोर में क्या करते हैं, स्टेप फोर में हम बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ बोलते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो कार्तीय कोणीय बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, और यहाँ हमारा जेड आ जाता है। क्वेश्चन में जेड हमारे पास क्या था बच्चों, जेड हमारे पास है एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। और हमारे पास कोणीय बिंदु सिर्फ दो है, एक तो आर है और एक क्यू है, ठीक है। आर के बिंदु है 6.0 और क्यू बिंदु हमारे पास है 0.3, ठीक है। तो ये दो ही बिंदु है, रखो x के जगह पे 6 और y के जगह पे 0 रखना है, 6 तो यह आ जाएगा 6, और x के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे 3। भाई दोनों बिंदु ही मुझे न्यूनतम दे रहे हैं, सेम टू सेम है ना, तो ये दोनों चीज मुझे क्या दे रही है, न्यूनतम दे रही है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या लिखोगे, आर और क्यू बिंदु है ना दोनों मिलकर z का न्यूनतम मान 6 दे रहे हैं, अंत में लिख दोगे, ठीक है। इसलिए बिंदु R और Q साथ में z का न्यूनतम मान 6 दे रहे हैं, एकदम आम भाषा में, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली बन गया, ठीक है। अब से इनकी जो PDF वगैरह होगी ना, आपको वेबसाइट पे जाके आपको आराम से मिल जाएगा, आपको आपको आपके नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, और बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपसे सो वेबसाइट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट का जो मेरा हमारा नाम है वो है mathematicsanalysis.in, ठीक है, क्योंकि .com पता नहीं किसी ने ऑलरेडी खरीद के रख दिया है 3 साल पहले, और वो कुछ कर भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बंदा, हमें दे देता तो हम यूज़ करते, फालतू में उसने खरीद के रखा है, मेरे नाम का यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बच्चों, 7वां वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों साथ साथ होते हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कल मैंने, 16 मिनट की एक वीडियो डिटेल में मैंने बताया था, उसको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ईजी है, तरीके में कोई अंतर नहीं है, जैसा पहला वाला था वैसे ही है। तो हमें क्या दिया है, क्या दिया है बेटा, जेड ही लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। जेड हमें दे रखा है 5x + 10y, ठीक है, 5x + 10y दे रखा है, कुछ ज़्यादा ही मोटा मोटा दिख रहा है हेडिंग से। और जो अवरोध हमें दे रखे हैं, क्या दे रखा है, x + 2y 120, ये पहला अवरोध। उसके बाद दूसरा दे रखा है x + y 60, ये दूसरा दे रखा है, और इसमें तीसरा भी है अब की बार, हाँ भाई साहब अब की बार तीसरा भी है, तो x - 2y। अब ध्यान रखना एक चीज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, x - 2y, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको क्या बोला गया, x और y ग्रेटर देन 0, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन, इस इक्वेशन की वजह से नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब मैं आपको चीज बताऊं, हमारे पास अवरोध कितने हैं, 1 2 3। तो तीनों का उभयनिष्ठ हलचित्र जब आएगा वही आपका हलचित्र होगा। अगर तीनों का उभयनिष्ठ नहीं आता है, कोई दो आपस में उभयनिष्ठ आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है इसका नहीं आ रहा है, तो कोई हल नहीं होगा। जितने अवरोध होंगे, जितने समीकरण होंगे ना अवरोध में, उतने का उभयनिष्ठ हमें मिलना चाहिए, तभी वो हल क्षेत्र होता है। अगर सपोज करो यहाँ 3 है, 2 का उभयनिष्ठ आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है इसका नहीं आ रहा है, ये कहीं और हल क्षेत्र दिखा रहा है, ये दोनों आपस में जाके एक जगह मिल रहे हैं, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ कट रहा है इसका नहीं आ रहा है, तो हल क्षेत्र नहीं होगा। 3 अवरोध दे रखा है तो तीनों का उभयनिष्ठ जहाँ दिखना दिखेगा वही आपका हल क्षेत्र होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जो आप काम अभी तक कर रहे थे वही हमें क्या करना है। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करते हैं बच्चों, स्टेप वन में हमें क्या करना है, असमीका को समीकरण में बदलने पर ठीक है। सो फटाफट देखो, पहला हो जाएगा x प्लस 2y 120, दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई 60, और यहाँ है x माइनस के 2y बराबर 0, यानी कि x बराबर 2y, माइनस का 2y उधर आके प्लस का हो गया, 120 से भाग देंगे तो x के बट्टे में 120, और ये 120 बट्टा 120, इधर 60 है, 60 से भाग देंगे, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ से तो आ गया x के बट्टे में 120, 2 × 12 और ये 1, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये आ गया x के बट्टे में 60, y के बट्टे में 60, 1 देखो। और ये सबसे पहली चीज़, यहाँ से बिंदु निकालो, कैसे निकलेगा, 3 बिंदु निकाल के दिखाऊंगा मैं, यहाँ x और यहाँ y लिखूँगा। x का मान, y का मान अगर मैं 0 मानता हूँ तो 2 × y x का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि केंद्र से होता हुआ जाएगा हल क्षेत्र। मुझे प्रथम चतुर्थांश में चाहिए तो प्रथम चतुर्थांश में x और y के मान पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो पॉजिटिव में ही मानता हूँ। यहाँ 60 60 आए तो मैं क्या करता हूँ ना, y का मान अगर मैं 20 मानूँ तो 20 × 2 = 40, x का मान 40 हो जाएगा। अगर मैं y का मान अगर मैं 40 मानता हूँ, ठीक है, तो 40 × 80 हो जाएगा x का मान। तो यहाँ से मुझे बिंदु मिलेंगे, देखो यहाँ से पहला बिंदु मिलेगा P, 120, 0, और Q मिलेगा 0, 60, ठीक है। यहाँ से R 60, 0 और H 0, 60, यहाँ से पी क्यू आर एस टी वी लिख देता हूँ। टी पहला बिंदु तो ओरिजन है, उसको छोड़ ही दो, एक बिंदु है 40, 20 और दूसरा है 80, 40 और एक केंद्र है ओ 0, 0। अब ये तुम्हें मिल गए, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है स्टेप टू में, ग्राफ खींचने पर। जो भी तुम्हें मिला है इनकी मदद से तुम्हें क्या खींचना है बच्चों, ग्राफ खींचना है इन पॉइंट्स की मदद से। सफ़ेद पन्ने में आपको ग्राफ खींच के दिखाऊंगा बेस्ट, क्योंकि मेरे पास बेटा ग्राफ पेपर नहीं है, है ना, और आपको बच्चों ग्राफ पेपर में ही बनाना है और पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखना। मैं पेन से इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, यहाँ पर केंद्र ये एक्स अक्ष दिखाना है सब कुछ, कि कहाँ एक्स अक्ष है कहाँ वाई अक्ष है, ये सब नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। और ये हम कर रहे हैं आंसर नंबर किसके लिए, 7वें के लिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 का। सो पहले बिंदु देखो 120 ऐसे है ना, तो मैं 20 20 का अंतर लेता हूँ, 20 40 60 80 100 120 140, ऐसे है ना, इधर भी वही होगा 20 40 60 80 100 120, है ना, ऐसे ले लिया। पहला बिंदु क्या है मेरा 120, 0, ये मेरा पहला बिंदु आ गया P, और दूसरा बिंदु ये L1 रेखा है, ये दूसरी रेखा है और ये तीसरी रेखा है, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या 0, 60, एक्स पे 0 वाई पे 60, क्यू बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींचनी है, रेखा,
ये मेरी L1 रेखा आ गई, पहली रेखा। ऐसे लिख दिया करो तब कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। पहली रेखा का नाम क्या है? समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 120। ये भी लिखना है, x प्लस टू वाई बराबर 120। ठीक है, दूसरी रेखा पे आ जाओ, 60,0, एक्स पे 60, वाई पे 0। पहला बिंदु ये मिल गया मुझे R, फिर 0,60, फिर से यही बिंदु आ गया H, है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या कितनी रेखा, ये मेरा आ गया L2, दूसरा समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 60, यहाँ लिख दो। ठीक हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट। 0,0 कहाँ होता है? ये केंद्र से होता हुआ जाएगा। पहला बिंदु क्या है, 20, फिर 40। देखो 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, टी है। फिर क्या है, ओ शिट, एक्स पे 40 है ना, फिर 20 है, 40,20 यहाँ है पहला बिंदु, यह है टी। ठीक है, फिर 80,40, 80,40 यहाँ आएगा इसके सीध में। ठीक है ना, इस बिंदु का नाम क्या है, वी। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचोगे, केंद्र से होता हुआ जाएगा ऐसे। ये मुझे मिल गया L3। अब इसी में बढ़िया बन जाएगा क्योंकि ये केंद्र से होता हुआ जा रहा है। कैसे चेक करोगे, देखना, ये मस्त क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं अगर एग्जामिनर होता ना तो मैं यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे देता आप लोगों को, 6 नंबर में। तो ये चीज़ हो गई, इसका समीकरण लिख दो, ये हमारा L3 है, ये क्या है, x बराबर 2y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम कर देखते हैं हल क्षेत्र, है ना। तीनों रेखाएं हमें मिली हैं, तीनों का ग्राफ खींच दिया, अब देखना है हमें नेक्स्ट स्टेप में हल क्षेत्र, स्टेप 3। हल क्षेत्र के लिए देखो, पहले वाले में और दूसरे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम कर रहे थे, हल क्षेत्र O 0,0 पर। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में केंद्र से बात नहीं चलेगी क्योंकि तीसरा वाला खुद केंद्र से होता हुआ जा रहा है, तो जब केंद्र से होता हुआ जा रहा है तब दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तब कुछ और करना पड़ता है, वो तो करेंगे, पहले बाकी दो तो देख लेते हैं, इन दोनों के लिए देख लेते हैं नॉर्मल। पहला वाला समीकरण क्या है बच्चों, x प्लस टू वाई 120, और दूसरा वाला क्या है, x प्लस वाई ये 60। x के जगह 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये सत्य हो रहा है। ठीक है, सत्य हो रहा है, सत्य हो रहा है, तो केंद्र संतुष्ट करेगा, हल क्षेत्र केंद्र की ओर होगा, हल क्षेत्र O की तरफ होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे 0 रखना है, तो 0 60 से बड़ा है, असत्य है, असत्य है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला समीकरण क्या है, एक्स माइनस के 2y। हाँ, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है ना, देखो ये समीकरण है, ये एक बिंदु ले लो, इस ये वाला, या तो इधर ले लो या कोई बिंदु इधर ले लो। अगर यहाँ से मैं जो बिंदु ले रहा हूँ, अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ आएगा, अगर ये बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा तो इस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड में क्या है, माना एक बिंदु ले लेते हैं, ये R बिंदु है, माना R, ये बिंदु है 60,0 पर, तो x के जगह पे 60 रखना है और y के जगह पे 0, तो 60 में से 0 घटाएंगे तो 0 से बड़ा होता है 60, ये सत्य है, सत्य कर रहे हैं, सत्य। अतः हल क्षेत्र आर की ओर या आर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, अब हल क्षेत्र दिखाओ, आप
मैंने तीन कलर हेडिंग्स ले रखे हैं, आपको पूरा पूरा दिखाए। देखो पहली वाली जो रेखा है वो सत्यापित केंद्र की ओर आएगी। पहली वाली कहाँ है? ये पहली वाली है एल वन, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई, इसीलिए मैं नाम लिख देता हूँ हर सूर पर, एक्स प्लस टू वाई है। ये एल वन है, केंद्र की तरफ आएगा इस तरफ, और हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, ठीक है। दूसरे वाला जो समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण ये जो है वो संतुष्ट नहीं कर रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। दूसरा वाला कहाँ है? ये ऊपर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे वाले पे आ जाऊं। तीसरा वाला ये है, ये जो समीकरण है, ये जो बिंदु हमने लिया था संतुष्ट कर रहा है, इसकी तरफ आएगा। ध्यान से देखना, जहां पर तीनों आपस में कटेंगे, तीनों क्षेत्र जहां मिलेगा वो हिस्सा ही हमारा क्या होगा? हल क्षेत्र होगा, जहां पर तीनों चीज हमें दिख रही है। तो तीनों चीज हमें कहाँ दिख रही है? एक तो यहाँ, यहाँ से देखो ये है, ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट भी इधर से गया है, और ये येलो वाला पार्ट, येलो बोल रहा हूँ, ब्लू वाला पार्ट भी, तीनों जहाँ पर आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हिस्सा, देखो मैं डार्क भी कर दे रहा हूँ, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इतना जो हिस्सा है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इतना जो हिस्सा है वो हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा हल क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? हल क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, क्योंकि मैंने ग्राफ में नहीं किया, लेकिन मैंने बिंदु पहले ही लिख रहे थे। देखो ग्राफ में करोगे तो ये बिंदु तुम्हें निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये जो कटान बिंदु आए हैं ना, ये आपको फट से मिल जाएगा। आप कैसे चेक करोगे? इधर देखोगे एक्स में कितना गया है, एक्स में 40 गया है और वाई पे ये 20 गया है, तो ये वाला जो बिंदु है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 40,20। ये बिंदु ऑलरेडी पता है, ये क्या है हमारे पास 60,0, ये बिंदु ऑलरेडी पता है 120,0। ये बिंदु आप कैसे निकालोगे? ऐसे एक्स पे कितना गया, एक्स पे ये जाएगा, देखना जब, क्योंकि मैंने पेपर पे बनाया ना, पूरा फिक्स थ्योरी नहीं है, लेकिन आप जब देखोगे तो एक्स पे ये 60 गया है, इधर देखो एक्स पे ये 60 जाएगा और वाई पे ये 30 जाएगा, तो ये जो बिंदु होगा, ठीक है, इस ये जो बिंदु होगा ये 60,30 होगा, ये 40,20 होगा, ये 60,0 होगा और ये 120, तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ये हल क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या है ना, आपको एक चीज़ बता दूँ, सपोज करो तुमने ऐसे ग्राफ बना, ग्राफ में तो आ ही जाता है सब कुछ, फिट एंड फाइन आ जाता है, लेकिन और एक तरीका है क्रॉस चेक करने का कि भैया यही बिंदु है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर तुम ग्राफ पे नहीं बना रहे हो, ग्राफ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा ये बोर्ड एग्जाम में, अगर नहीं मिला तो तुम मांगोगे कि भाई मुझे ग्राफ दो, मुझे ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ आता ही आता है, और एक ही ग्राफ मिलता है। आप सोचोगे एक ग्राफ गलत हो गया दूसरा ग्राफ मिलेगा, नहीं, एक ही ग्राफ मिलेगा, उस पे ही आपको अच्छे से करना, तो गलती मत कर देना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए पेंसिल से बनता है, ताकि थोड़ी बहुत गलती हो तो उसे मिटा के फिर सही कर पाए, पेंसिल से ही बनाना है, पेन का मत यूज़ करना लेना। तो अगर ये बिंदु आपको निकालना है तो क्या करोगे? इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करोगे तो ये कटान बिंदु मिल जाएगा। अगर ये निकालना है इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को हल करोगे तो ये कटान बिंदु मिल जाएगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, बट ग्राफ में करोगे तो ये बिंदु हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना है? नेक्स्ट स्टेप 4, नाम तो दिखाने ही हमने, ये नाम इसको हमने क्या बोला था? टी बोला था, ये टी है, ठीक है, ये टी है, आर है, ये पी है, इसे मैं सी बोल देता हूँ इस वाले बिंदु को, ठीक है। मेरी वाइफ का नाम चेतना है ना, तो उसका पहला लेटर लगा सी लगा दिया। आप भी अपने कोई प्रियजन है ना, मन में जो आपके रहते हैं उनका पहला लेटर लिख दो, क्या पता वो आपके लकी हो जाए, इट्स अ फन पार्ट बेटा। हाँ, नेक्स्ट अब हम क्या लिख देंगे स्टेप 4 में, ग्राफ में
हल क्षेत्र, देखो तीनों उभयनिष्ठ वाला पार्ट है ये, तभी हल क्षेत्र है, अन्यथा नहीं होता। क्या है? पी आर टी सी, ठीक है, पी आर टी सी है। अब स्टेप फाइव में क्या करते हैं, कैलकुलेशन। क्या बनाना है हमें, एक यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ आपका z आ जाएगा। z हमारे पास क्या दे रखा है, 5x प्लस 10y, पहला बिंदु। 120 पे चेक कर लो, p 120.0, तो 5 120 x की जगह और y की जगह पे 0, 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारे पास, r 60.0, x की जगह पे 60 और y की जगह पे 0, 6 पंजे 30, 300 आ गया। t क्या है, 40.20, ठीक है, t हमारे क्या 40.20, तो x की जगह पे 40, y की जगह पे 20, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये 200, तो ये आ गया 400, ठीक। नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा वो C है, जो कि 60.30, 60.30, ठीक है, तो x के जगह पे 60 और y के जगह पे 30, 5 छंग 30 और 30, तो ये आ गया 600। पाँच छंग 30 0, ठीक है ना, 300। तो अधिकतम कहाँ कहाँ है, अधिकतम देखो बेटा यहाँ पे 600 मिला है ना आपको अधिकतम, एक तो ये 600 है और ये 600 है, तो अधिकतम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में मिलेगा, तो यहाँ लिख देना मैक्सिमम, मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ है, ये मिनिमम है, 300 मिला है ना, तो ये आपका मिनिमम आ जाएगा, लास्ट में आप लिख देना, ठीक है, जॉब से बोला गया। मैक्सिमम कितना होगा, 600 होगा इस बिंदु पर, और मिनिमम होगा 60.0 पर 300, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से बन गया हमारा। आठवें क्वेश्चन में आ जाओ, जैसा सातवां है ना बिल्कुल वैसा ही आठवां क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी तीन समीकरण है, 1 2 3, तो तीनों को उभयनिष्ठ देखना है, और इसमें भी आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण निकालना है, क्लियर बच्चों, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो हालांकि ये जो आठवां क्वेश्चन है ये सातवें से की तुलना में और आसान है, ठीक है, जैसा ये वाला हुआ था, देखो ये वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना होमवर्क में, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे, जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं बना पा रहे हो, तब तक आपसे कुछ होगा ही नहीं। और एग्ज़ाम पता आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप टीचर से एक क्वेश्चन सीख रहे हो तो 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, ये होता है। बच्चे आजकल क्या देखते हैं कि सारा कुछ डिपेंड कर जाते हैं, टीचर बता रहे, सर बता देंगे, हम सोचेंगे ही नहीं, और तुम जब सोचोगे ही नहीं तुम्हारा आईक्यू लेवल खुलेगा ही नहीं, तुम छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी अटक जाओगे, तुम सोच ही नहीं पाओगे, तुम इसी क्वेश्चन में ही अगर तुम्हें दिक्कत हो NCERT के, तो बड़े बड़े जो IIT JEE वाले प्रॉब्लम्स वो कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्पिटिशन में कैसे बैठोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, कॉन्सेप्ट पे जोर लगाओ, खुद प्रैक्टिस करो, खुद सीखो, जो क्वेश्चन हम कराते हैं उसको भी एक बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसके बाद खुद से भी नए नए क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, तभी आप मैथ में परफेक्ट बन पाओगे, ठीक है, तभी आप अच्छे बन पाओगे। तो आठवां क्वेश्चन खुद करना, आई होप अगर आपने सातवां सीखा है तो आठवां आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, और ज़रूर करना चाहे जितना भी टाइम लगे, ठीक है, आधा घंटा लग जाएगा जब आप करोगे खुद से,
तो लगने दो, करना है इसको, ठीक है। नाइन्थ और टेंथ वाला जो क्वेश्चन है, वो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने किए थे ना कल, 2, 3, 4, 5, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है नाइन्थ और टेंथ, ठीक है। तो इनको हम करते नाइन्थ और टेंथ को। बाकी आठवां मेरी तरफ से होमवर्क है, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, क्योंकि ये पार्ट टू है इस वीडियो का, तो ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना। नाइन्थ वाले पे आ जाते हैं, अधिकतमीकरण निकालना है और ये हमारे अवरोध है। शानदार जानदार क्वेश्चन है, ठीक है, नाइन्थ वाला भी देखो कैसे है, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया हुआ है, गिवन करके लिखेंगे, क्या गिवन है, अवरोध गिवन है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है जेड, जेड हमें मैक्सिमम निकालना है इस क्वेश्चन में, जेड मैक्सिमम निकालना है और वो है माइनस के एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। और जो इसके साथ अवरोध दे रखे हैं वो क्या है, अवरोध हमें दे रखा है ये चीज, पहला समीकरण, दूसरा में दे रखा है एक्स प्लस वाई, दूसरा समीकरण, और तीसरा में दे रखा है एक्स प्लस टू वाई, ये तीसरा। और इसके साथ साथ हमें बोल रखा है कि जो वाई है ग्रेटर देन जीरो है, जीरो या जीरो से बड़ा है, इसका मतलब हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ठीक। और देखो तीन या तीन से बड़ा, यानी कि ये भी पॉजिटिव ही बोल रहा है, लेकिन अब इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ वाई इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये चीज़ एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है इनका मतलब, है ना। अब इनको बनाते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टेप वन में असमीका को, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, पहला काम यही करते हैं। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू थीन, दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस ये, एंड तीसरा हमें मिल जाएगा एक्स प्लस टू वाई बराबर छः। ये एल वन है, ये एल टू, ये एल थ्री, तीसरी लाइन, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सिंपल आ चुका है। इसमें पाँच से भाग दोगे तो एक्स के बट्टे में पाँच, वाई के बट्टे में पाँच, और ये एक हो जाएगा। छः से भाग दोगे, एक्स के बट्टे में छः, वाई के बट्टे में तीन, और ये एक हो जाएगा। तीन कैसे, बट्टे में छः आएगा, दो तीन छः, है ना, यहाँ से आ गया। तो ये तो वो हो गया, इसका बिंदु क्या हो जाएगा, पाँच कोमा ज़ीरो, ज़ीरो कोमा पाँच, ये हो जाएगा छः कोमा ज़ीरो और ज़ीरो कोमा तीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने पर, ठीक है, नीचे हम ग्राफ खींचेंगे अब हम। सो ग्राफ के लिए हमने क्या ले लिया है, देखो हमेशा ग्राफ पेपर में ही ग्राफ खींचना है, हमारे पास नहीं है तो उस हिसाब से देखो, ये एक्स अक्ष, इधर एक्स का मान प्लस में, इधर एक्स का मान माइनस में, ये केंद्र, इधर ये वाई अक्ष, इधर वाई का मान प्लस में, नीचे वाई का मान नेगेटिव में, अधिकतम बिंदु छः तक ही है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। पहला बिंदु लेते हैं एक्स बराबर तीन, एक दो तीन, तो एक्स इक्वल टू अगर समथिंग होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो वाई अक्ष के समांतर बनता है। ये क्या है, एक्स बराबर तीन का ग्राफ है, एल वन रेखा। अब हल क्षेत्र कहाँ होगा वो तो बात की बात है, ये एल वन आ गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाऊँ, पाँच कोमा ज़ीरो, पाँच कोमा ज़ीरो, ये हो गया, और दूसरा है ज़ीरो कोमा पाँच, ये हो गया। ये है पी बिंदु, ये है क्यू बिंदु, इन दोनों को मिला तो ये रेखा खींचेंगे। ये हमारा है L2, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर पाँच लिख दीजिए। तीसरे पे आ जाओ, छः कोमा ज़ीरो, ठीक है, ये बिंदु है हमारा R, और S बिंदु क्या है, ज़ीरो कोमा तीन, ये बिंदु है ज़ीरो कोमा तीन, इनको मिलाती हुई रेखा खींचो,
देखिए ये हमारी तीसरी रेखा L3, नाम लिख दूँ, ये है x प्लस टू वाई बराबर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, हल क्षेत्र की तरफ जा रहा है, हल क्षेत्र स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 2 3 3 होगा, ये हल क्षेत्र। ठीक है, हमें हल क्षेत्र देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हल क्षेत्र में अस्मिका लिखी जाती है, जो अस्मिका है, ठीक है ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पर, केंद्र ही लेंगे हल क्षेत्र के लिए, केंद्र पर लिखते हैं, x का मान y का मान 0 0 रखते हैं, तो अस्मिका हम रखते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो देखो x की जगह 0 रखो, 0 3 से बड़ा है, तो ये क्या है, असत्य, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की ओर नहीं होगा। x की जगह 0, y की जगह पर 0, तो 0 5 से बड़ा है, असत्य, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की ओर नहीं होगा। x की जगह 0, y की जगह 0, तो इसका भी हल क्षेत्र 0 की तरफ नहीं होगा, सब में एक ही चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि तीनों ही नहीं, असत्य बोला है, हल क्षेत्र केंद्र की ओर। नहीं होगा, ठीक है, सो तीनों ही केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं, ये आपका केंद्र है ना, ओ इससे बाहर की ओर, तीनों के तीनों, ये केंद्र इधर है, हल होता है इधर आता है, अब बाहर जाएगा। ठीक है, पहला वाला, अब आ जाओ दूसरा वाला, दूसरा वाला ये हुआ, ये भी केंद्र केंद्र होता तो इस तरफ आता, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरा वाला भी बाहर की ओर जा रहा है, यह तीसरा, अब देखो तीनों जहां पर मिल रहे हैं, तीनों जहां पर मिल रहे हैं वो आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, तीनों पार्ट जहां पर उभयनिष्ठ है ना, तीनों पार्ट देखो, यहां से यहां पर देखो, नारंगी है, हरा है, और उसके बाद ये वाला पार्ट भी है, तीनों मिल रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं डार्क कर देता हूँ, ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये मैंने डार्क कर दिया, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ सारा हमारा ये जो हल क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हल क्षेत्र है, तीनों जहाँ मिल रहे हैं आपस में, ठीक, ये हल क्षेत्र है। लेकिन जब हल क्षेत्र हो रहा है तो इसने कटान भी किया है, ठीक है, कटान किया है, एक तो यहाँ पे आके कटा है, एक कटान बिंदु यहाँ कटा है, और दूसरा कटान बिंदु आपको यहाँ मिला है, ये आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और ये बिंदु तो है, ये कॉर्नर बिंदु हमें पता है। अब देखो बच्चों, ये कटान बिंदु की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि तुम जब ग्राफ में करोगे ना तो ये कटान बिंदु ऑटोमेटिकली मिलेगा, मैंने तो पेपर में किया है, दूरी सही नहीं है तो ये मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट तुम ग्राफ में देखोगे कैसे चेक करते हैं कि एक्स में कितना गया, ऐसे आते हैं वाई में कितना गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो तुम्हें मिलेगा 4.1, मतलब एक्स में 4 गया होगा और वाई पे 1, और ये वाला पॉइंट जब देखोगे तुम तो ये तुम्हें एक्स पे 3 दिखेगा और वाई पे 2, ठीक है, वाई पे 2 दूरी गई है, तो कोई कोई सही दिख जाता, कोई कोई नहीं दिख पाता, तो ऐसे तुम्हें ग्राफ पेपर में मिल जाएगा कटान बिंदु। ठीक है, इसका नाम तुम कुछ भी दे दो, ये आर बोला था, इसका नाम हम बोल देते हैं ए, इसका नाम बोल देते हैं बी, ठीक है, और इधर कहीं पर एक इसे पी बोल देते हैं।
अब देखो बेटा, अगर सपोज करो तुम ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे हो, तो तरीका क्या होता है, इस वाली रेखा को, और ये कट रहा है ना, इस वाली रेखा को हल कर दो, क्योंकि ये कट रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरे समीकरण को और x बराबर पहले समीकरण को हल कर दो, तो मैं ये बिंदु मिल जाएगा। कैसे? ये है आपका x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर दूसरा है ना 5 है, कौन सा ये दूसरा, x प्लस वाई बराबर 5 है, और x बराबर आपको क्या दे रखा है, 3, x बराबर क्या दे रखा है, 3। ये दो समीकरण को हल करना है, x की जगह पे 3 रखोगे, 3 घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो बिंदु क्या होता है, पहले x होता है फिर y होता है, तो x का मान 3 है और y का मान 2, 3 को मान 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। या और फिर जैसे ये कटान बिंदु है, तो ये कटान बिंदु कहाँ पे मिला है, ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा आपस में कट कर रही है, यानी कि समीकरण दूसरे और तीसरे को सरल कर लो, इसको और इसको जब विलोपन विधि से हल करोगे तो तुम्हें जो x और y के मान मिलेंगे, x का मान 4 मिलेगा, y का मान 1 मिलेगा, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो और ग्राफ से भी निकाल सकते हो। ग्राफ से जल्दी हो जाएगा और वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लगते हैं, स्टेप 4, ग्राफ में एक्स पी ए बी पी हल क्षेत्र है, ठीक है। तो हमें बस, क्योंकि हल क्षेत्र ऊपर की ओर जा रहा है, असीमित है इधर, तो हमें कहाँ बात करनी है, कोणीय बिंदु पे बात करनी है, ठीक है, कहाँ बात करनी है, कोणीय बिंदु पर। तो कोणीय बिंदु कहाँ कहाँ पर है, एक तो बच्चों इधर है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तीन ही कोणीय बिंदु है। स्टेप फाइव में हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, हमारा z आ जाएगा, z क्या है, माइनस के x प्लस के 2y, ठीक है ना। हाँ, कोणीय बिंदु, पहला हमारा कोणीय बिंदु क्या है, r है, ठीक है, जिसके निर्देशांक 6, 0। दूसरा हमारा a है, जिसके था 4, 1, और फिर अगला है b, जिसका है 3, 2। रखो मान x के जगह पे 6 और y के जगह पे 0, तो माइनस के 6, x के जगह पे 4 और y के जगह पर 1, माइनस 4 प्लस के 2, माइनस के 2, और x के जगह पे 3, y के जगह पे 2, 2 × 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो अधिकतम कितना है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्या निकालना है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम निकालना है, तो अधिकतम इन सब इन तीनों में अधिकतम कौन है, 1 है, तो z मैक्सिमम होगा 1, किस बिंदु पर, बिंदु पर 3, 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी आपने किया है, ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं। और ये शानदार क्वेश्चन है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत इसका अधिकतमीकरण करना है, ठीक है, अधिकतमीकरण निकालना है इसका मान। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया हुआ है, जेड बराबर हमारे पास है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और अवरोध हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, ये पहला अवरोध है, दूसरा जो अवरोध है माइनस के x प्लस के वाई, ये दूसरा अवरोध है, और x और y के मान 0 होंगे, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ठीक है। सो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, असमीका को
समीकरण में बदलने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के एक, और दूसरा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो ये y माइनस के एक्स इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स, ठीक है। सो ये प्लस का वन बनाना होता है तो माइनस वन से इधर उधर भाग दे देंगे, ठीक है, माइनस वन से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो, और दूसरा हो जाएगा जीरो कॉमा वन, और यहाँ पे तो देखो बहुत ही आसान है, एक्स एक्स का मान जीरो मानोगे वाई का मान भी जीरो हो जाएगा, एक्स का मान एक रखोगे वाई का मान एक हो जाएगा, एक्स का मान दो रखोगे वाई का मान दो हो जाएगा, ठीक है, बिंदु हो गए। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने पर, सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्राफ खींचना है, ठीक, ये वन टू माइनस वन माइनस टू, वन टू माइनस वन माइनस टू, ठीक है। बिंदु क्या हमारे पास, पहला बिंदु माइनस वन कोमा जीरो, ये पहला बिंदु है P, और दूसरा बिंदु है जीरो कोमा वन, एक्स पे जीरो वाई पे वन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देनी है हमें लाइन, और यहाँ ऊपर इक्वेशन लिख दूंगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, ये एल वन है, ठीक है, ये L1 है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ये वाला, ओरिजिन से पास होगा जीरो कॉमा जीरो है, अगर बिंदु के रूप में लिखो ये जीरो कॉमा जीरो है, R ये वन कॉमा वन है, और H टू कॉमा टू है, तो ये जीरो वन कॉमा वन यहाँ होगा, ठीक है, और फिर टू कॉमा टू यहाँ कहीं होगा इसके सामने, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं क्या खींच देंगे, जब खींचोगे ना ग्राफ पेपर में पूरा एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर फॉर्म में बनेगी, ये L2 है, ठीक है, और इसका समीकरण क्या है, माइनस के एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। अब हमें हल क्षेत्र देखना है, स्टेप स्टेप थ्री, हल क्षेत्र के लिए पहले वाले पे बात करेंगे, पहला समीकरण हमारे पास है x माइनस वाई, केंद्र पर देखेंगे x की जगह जीरो रखो y की जगह पर जीरो, जीरो से बड़ा होता है माइनस वन, नंबर लाइन पे देखोगे तो ये असत्य है, ठीक है। तो हल क्षेत्र, इसका मतलब हल क्षेत्र केंद्र की तरफ नहीं हो, ठीक। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरा वाला हमारे पास है माइनस के एक्स प्लस के वाई, और इधर जीरो है, इस वजह से हमें एक बिंदु खुद से लेनी पड़ेगी, जैसे ये वाला बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु वन कॉमा जीरो पर, एक्स की जगह पे वन रखो और वाई की जगह पे जीरो, जीरो माइनस वन से बड़ा होता है सत्य है, यानी कि हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा, ठीक है। तो देखो जो दूसरे वाले का हल क्षेत्र है इस की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस बिंदु की तरफ आ रहा है, ओके, और पहले वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ नहीं होगा, केंद्र ये है, इससे बाहर जाएगा, यानी कि इधर जाएगा। तो ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ भाग आया, कोई उभयनिष्ठ भाग आया जहां आपस में दोनों मिल रहे हो, नहीं आया, देखेंगे। चूंकि दोनों अवरोधों का कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, अतः z का कोई
अधिकतम मान नहीं है, ये आप लिख दोगे। इसका मतलब होता है ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली 12-10 बनाएगी वो आपकी खत्म होगी। मैंने हर एक क्वेश्चन करवाए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, 8वां क्वेश्चन। अगर सब कुछ आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे, ठीक है? तो प्लीज़ सॉल्व करो इसको, नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं वो भी करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल पर नए तो बड़ा सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।